नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग के अंदर अपन जा रहे हैं जैसलमेर की ओर। अपन इस वक्त हैं फालोदी से पहले रुके हुए हैं। फालोदी से पहले अपन लंच करने के लिए यहाँ रुके हैं। लंच रेडी हो रहा है, मैं बाहर बैठा हूँ गाड़ी के अंदर ब्लॉग बनाने के लिए। तो भैया, भाभी और मेरी एक सिस्टर है, वो तीनों अंदर है, मैं बाहर बैठा हूँ और अपन लोग जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। जैसलमेर यहाँ से है 242 किलोमीटर से, यहाँ से अपन को जाना है जैसलमेर। जैसलमेर पहुँचते ये इसमें दिखा रहा है 3 घंटे 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से जैसलमेर का। जैसलमेर पहुँचते अपन को कम से कम 4 से 5 बजेगी, और हम करीब करीब 7 बजे जयपुर से निकले। तो चलो, मेरा लंच रेडी हो चुका है, मुझे अंदर जाना है। भैया का कॉल आ चुका है मेरे पास, मैं जाता हूँ अंदर लंच करने। हेलो, अपन कहाँ जा रहे थे? जैसलमेर। अभी कहाँ हैं? अभी यार अपन फलौदी से पहले कहीं रुके हैं, ये खाना खाने के लिए लंच चल रहा है। बस यहाँ से फिर अपन को चलना है, आधे घंटे के अंदर चलते हैं। बिल्कुल। पहले बीच में क्या आएगा? अभी फलौदी आएगा पहले, फिर पोखरण देखते हुए भी आएगा बीच में जोधपुर, फिर जैसलमेर पहुँचना है हमें। जैसलमेर टाइम लगेगा, 4 से 5 बजेगी। अंधेरे से पहले पहुंचना है, इन्होंने बोला। कुछ अच्छी लोकेशन है वहाँ, वो देखनी है। बहुत अच्छी, सनसेट देखने वाला होता है वहाँ पे। ऊँट पे बैठ के जाएंगे तबड़क तबड़क करते हुए। रोड बना दी इन्होंने, तो मतलब जहाँ पे ये टूटी हुई थी जैसे गड्ढे में उतरता था, धीरे से उतरने लगे। अब ये अपन कहीं झूलते हुए आ गए। पहुंच गए हैं हम डेस्टिनेशन पे, गढ़ राजपूताना डेजर्ट कैंप। अरे भाई ठंड है, हो रहा उल्टो कर में लेवेन। तो उल्टा पहन रहे हो यार आप, देख ही नहीं रहे, वीडियो बना रहे उल्टा पहनते हुए, बताओ। तो अपन पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, राजपूताना डेजर्ट कैंप। वो भैया उधर जा रहे हैं रूम देखने, रूम पहले चेक कर लेते हैं। भैया रूम देखने जा रहे हैं जल्दी जल्दी। चलो डिसाइड करते हैं, टेंट लेंगे या फिर ये कॉटेज। ये है टेंट, ये है कॉटेज। अब डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, टेंट के कॉटेज। चलो पहले ये चेक करते हैं।
हाँ तो रिसेप्शन पे अभी अपन को जाके आईडी चेक करवानी है। मेरा बैग गाड़ी के अंदर पड़ा है, इनको आईडी ला के देते हैं। भैया अंदर जा रहे हैं रिसेप्शन पे, मैं भी गाड़ी में से आईडी लेके आता हूँ। आईडी मिल गई, आईडी जाके दे देते हैं अंदर। चलो भाई अंदर चलते हैं। तो ये है मेरा रूम। ओह लाइट कैसे चलेगी। ओह तो ये है मेरा और अन्नु का रूम। ठीक है अपना सामान रख देते हैं यहाँ। तो और एक्सरसाइज कर लीजिए। और वैसे भी सुबह एक्सरसाइज जिम नहीं गया मैं, ठीक है थोड़ा सा भी हो गया वार्म अप हो गया, अभी बाहर जाएंगे ठीक रहेगा, थोड़ा शरीर गर्म हो जाएगा इसलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। अरे यार नहाने का साबुन नहीं रखे गए ये लोग यहाँ पे। चलो वो लेके आते हैं, लेके आना पड़ेगा यार, मैं चाहता हूँ। चलो लेके आता हूँ मैं, अभी डांस वगैरह होगा वो भी कुछ देर में आपको डांस वगैरह दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो बस कुछ देर में मिलते हैं। ये लो दो काफ़ी है, चार चाहिए सॉरी। ठीक है काम शुरू हो गया आपका तो। चलो ठीक है रेस्ट करते, गेट बंद कर दो, हवा चल रही है बाहर, लाइट में ठीक है, कितनी तो जल्दी है यार। ये वाले काम की थी, इसको कर देते हैं बंद। कैमरे की बैटरी वहाँ चार्ज हो रही है, मोबाइल अपना यहाँ चार्ज। अच्छा ठीक है, तो जब वो डांस वगैरह शुरू होगा तो दिखाएंगे आपको, वैसे अभी कुछ देखने लायक है। अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। चलो चलते हैं, अब अपन देखते हैं वो डांस, राजस्थानी डांस थोड़ा यहाँ पे चल रहा है। ये भाभी सा और अनु वहाँ पहले से पहुँच गए, वो सामने खड़े मेरे, उनके पास चलते। शो यहाँ चल रहा है। तो अपन आ चुके, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, तो अपन आ चुके हैं इधर डांस देखने। ये ढोल लंगाड़े, ढोल लंगाड़े नहीं राजस्थानी फोक चल रहा है। इसको बोलते क्या जी, इसको क्या बोलते हैं, काल बेलिया डांस बोलते हैं। वो चलेगा थोड़ी देर में, अभी तो वो चल रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो वो वहाँ पे चल रहा है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, जब तक हम लोग यहाँ थोड़ा सा सूप वगैरह चल रहा है इधर, सूप पी लेते हैं, फिर उसके बाद में ये लोग यहाँ बैठे मेरे पीछे, फिर डांस वांस चलेगा। थोड़ा जोर से बोले, इसमें आवाज कम लग रही है, बहुत जोर से ठंड लग रही है, बहुत जोर से। अन्नू सुझे मजे आ रहे, बोलो तू देख ना, भूख लग रही है भयंकर वाली, मेरी भूख लग रही है। बस थोड़ा सा अभी पूछ के आया हूं, टाइम 8:30 का टाइम है, बस डिनर स्टार्ट हो जाएगा। अन्नू तेरे को भूख लग रही है? हां बहुत ज्यादा भूख तो लग रही है, हमें भी ठंड ज्यादा लग रही है। चलो डिनर हो चुका है, अब चलते हैं रूम में, पानी बोतल ले लेना। चलो 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 चलो, चेंज कर ले, मैं पापा को वीडियो कॉल कर लेता हूँ एक बार। ओके कुछ देर फिर से,
क्या दोनों हाँ वो कॉल कर लूँगा मैं दिखा दीजिए दोनों को। तो हमने सोचा है इस ब्लॉग के दो पार्ट बनाए जाए, तो अभी इस वीडियो को कट करते हैं, या तो सुबह मिलेंगे या फिर अगली वीडियो में। तो रात के बज गए हैं 9:30, ये सोने का टाइम तो नहीं है, पर यहाँ कुछ करने के लिए है नहीं। बाहर डिनर वगैरह हमारा हो चुका है, बाहर थोड़ा डांस वगैरह उनके लिए चल रहा है, जो थोड़ी थोड़ी लेते हैं ना उनके लिए डांस वांस चल रहा है। मैं अनु भैया और सब हम तो रूम में आ चुके हैं सोने के लिए। सुबह जल्दी का प्लान बनाया था सफारी के लिए, उन्होंने बोला 6 बजे सनराइज़ वगैरह देखना है आपको, तो आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए, हम गाड़ी वाड़ी मंगा लेते हैं, अगर 6 बजे नहीं उठा जाएगा इसलिए हमने थोड़ा प्लान 8 बजे तक कर दिया है। 8 बजे हमारी जीप वगैरह आएगी, हम सनराइज़ को कैंसिल कर दिया, हमने सनराइज़ देख लिया आज का, सनसेट देख लिया हमने आज का। तो हम कल सुबह कैमल सफारी और जीप के लिए जाएंगे, जीप वगैरह घुमाएंगे डेजर्ट वगैरह में आराम से उनके साथ। तो हमारी वो हो चुकी है, तो अभी हमें ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सो जाना चाहिए, है ना नू? अब सो जाना चाहिए, और आप लोगों को भी कहते हैं हम गुड नाइट। तो हम जाते हैं सोने, बाय बाय।